अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ही ब्यूटीफुल कटवर्क डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिन्हें आप अपने स्लीव, दामन, कहीं भी इसे बना सकती हैं। आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये मैंने 2x2 इंचेस की पेपर का पीस लिया है और आपस में इस तरह से हम दोनों कॉर्नर्स को मिला देंगे, और इसके अंदर भी हम इस तरह से लाइंस बना लेंगे। और इस पैटर्न को हम बुकरम के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, और ड्रॉ करने के बाद हम सारे पीस को सेपरेट कर लेंगे। और सारे पीस को मैंने कपड़े के ऊपर रखकर प्रेस कर लिया है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसे कट करेंगे ताकि हम इसकी फोल्डिंग कर सकें। और इस तरह से हम इसमें छोटे छोटे कट्स भी लगा देंगे ताकि फोल्डिंग करने में आसानी हो। और इसे कोई भी फैब्रिक ग्लू की मदद से हम चिपका लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ, जब मैंने इसे फोल्ड कर रही थी तो ये बहुत ही मुश्किल हो रही थी मुझे, और बिना प्रेस किए ये बार बार खुल जा रही थी। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसे सिल्क फैब्रिक पे बनाएं, आप इसे कोई और फैब्रिक पे बनाएं जो इजी से फोल्ड हो सके। इसी तरह से हमें सभी की फोल्डिंग करनी है। सारी फोल्डिंग हमारी हो चुकी है, हम इसके एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है हम इसे कट कर लेंगे। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने लिया है, इसके ऊपर पहले इस तरह से हम सेट कर लेंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रही हैं सेम इसी तरह से हम इसे सेट करेंगे। ये देखिए मैंने सारे सेट कर लिए हैं, अब हम जरी से इसकी एम्ब्रॉयडरी करेंगे। ये मैंने वाइट जरी लिए है तो बॉबिन में भी मुझे वाइट धागे ही लगाने हैं। और सभी लाइंस के ऊपर हम डबल स्टिच करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला डिज़ाइन बनाएं, आप इसी तरीके से अपनी पसंद की डिज़ाइन भी बना सकती हैं।
ये देखें मैंने सभी के ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। और ये पैच हमारी बिल्कुल रेडी है और ये कितनी सफाई के साथ बनी है। और इस पैच को अपनी स्लीव के साथ अटैच कर लेंगे। और ये स्लीव हमारी बिल्कुल तैयार है और ये कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें मैंने कुछ पर्स वगैरह भी लगा लिए हैं। आप इस डिज़ाइन को अपने जंपर के दामन या ट्राउज़र कहीं पर भी बना सकती हैं। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।